चलिए अब हम फोर्थ टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस में एक ही एलिमेंट एक ही वक्त पर ऑक्सीडाइज और उसी वक्त पर रिड्यूस भी हो रहा होता है। इसका मतलब इन रिएक्शंस में एक एलिमेंट जरूर ऐसा प्रेजेंट होगा जो एक ही वक्त पर तीन तीन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मिलेगा। इसका मतलब इस टाइप की रिएक्शंस में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जो तीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड से वाटर तथा ऑक्सीजन गैस मिल रही है। इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से बारीकी से ऑब्जर्व करें तो हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पहले तो -1 से -2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इस कंडीशन में ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। साइमल्टेनियसली इसी वक्त पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 में भी कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन का यहां पर रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसीलिए यह एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। और क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों प्रेजेंट भी हैं इस रिएक्शन में, इसीलिए यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन भी एल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में फास्फोरस एल्कलाइन मीडियम में वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और हम इस रिएक्शन में यह भी ऑब्जर्व करेंगे कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -3 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है, एज वेल एज 0 से +1 में भी कन्वर्ट हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुए हैं, इसीलिए यह एक डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। उसी प्रकार से जब हम सल्फर के रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में कराते हैं तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 में कन्वर्ट होता है, मतलब रिडक्शन होता है, एज वेल एज 0 से +2 में भी कन्वर्ट होता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है। तो यहाँ पर सल्फर का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है, इसीलिए यह भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी प्रकार से क्लोरीन की रिएक्शन भी एल्कलाइन मीडियम में कराने पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 से +1 तथा 0 से -1 में कन्वर्ट होता है, इसीलिए यह भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। क्लोरीन की तरह ही ब्रोमीन और आयोडीन भी एल्कलाइन मीडियम में इसी तरह की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन फ्लोरीन की रिएक्शन जब हम एल्कलाइन मीडियम में कराते हैं तो वह डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देता है, मतलब कि वह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जैसा बिहेवियर एल्कलाइन मीडियम में शो नहीं कर पाता। फ्लोरीन एल्कलाइन मीडियम में कुछ इस प्रकार से रिएक्ट करता है। जैसा कि आप एल्कलाइन मीडियम में फ्लोरीन की रिएक्शन देख पा रहे हैं तो आप यहां ये नोटिस करोगे कि इस पूरी रिएक्शन में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 में ही कन्वर्ट हुआ है, मतलब फ्लोरीन का केवल यहां रिडक्शन ही हुआ है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया। क्योंकि हम ये जानते हैं कि फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और यह पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रख सकता, इसीलिए फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी एग्जिबिट नहीं कर पाता है।